झांसी का जिला चिकित्सालय का नेत्र विभाग भगवान भरोसे ही चल रहा है, जहां मरीजों की आंख की जांच बिना अधिकृत ड्रेस बिना पहचान पत्र के साथ कौन कर रहा है इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को नहीं है, ना ही ड्यूटी पर मौजूद ऑप्टोमिस्टिक को है। फिलहाल इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसमें नेत्र परीक्षण मशीन को चलाकर मरीजों के नेत्र परीक्षण करने वाला युवक ड्यूटी पर मौजूद ऑप्टोमिस्टिक को अपना करीबी रिश्तेदार कहकर संबोधित कर रहा है और मरीजों की आंखों की मशीन से जांच करके पर्चे पर जांच रिपोर्ट लिखकर भी दे रहा है। जब इस वायरल वीडियो के विषय पर CMS डॉक्टर PK कटारिया से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में नहीं है और अभी दो ऑप्टोमिस्टिक की ही अस्पताल में कार्यरत हैं और नेत्र परीक्षण मशीन का संचालन करने वाला युवक आज सोमवार को ड्यूटी पर मौजूद ऑप्टोमिस्टिक की देखरेख में ही मशीन चला रहा होगा और उक्त मामले पर जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप ही बता रहे हैं इस बारे में मुझे। लेकिन अगर कोई अनऑथराइज बंदा चला रहा है जो ट्रेन नहीं है या जो ऑथराइज नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके संबंध में हम जानकारी करेंगे या उस संबंध में हम पूरी जांच करेंगे। सर, लगभग कितने लोग वहाँ पोस्टेड हैं अभी जो आई टेस्टिंग के लिए आपकी तरफ से विभाग में जो कर सकते हैं टेक्नीशियन? आई टेस्टिंग के लिए दो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जो वहाँ पे करते हैं। कौन कौन है? और डॉक्टर अभिनव शर्मा, डॉक्टर आदित्य साहू, और उसके अलावा काम ज़्यादा होता तो हम अपने ट्रेनिंग बच्चों को लगाते हैं उनके सहयोग के लिए, हेल्प के लिए। तो सर, जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें जो बंदा दिखाई दे रहा है वो आपका ट्रेनिंग बंदा है? नहीं, मैंने वो वीडियो अभी नहीं देखा है कौन क्या है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं उस संबंध में अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसकी जाँच करूँगा और उसकी जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से जो भी उचित कार्रवाई होगी कार्रवाई की। ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ पे जो है हमारी तरफ से ये कहा गया है कि जो ट्रेनिंग हमारे पूरे अस्पताल में काम करते हैं और जो ट्रेनिंग काम करते हैं वो फिजिशियन मेडिसिन में भी करते हैं, सर्जरी में भी करते हैं, लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि वो ट्रेनिंग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ये ट्रेनिंग आते ही इसीलिए हैं कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में काम करें, वो काम सीखें, धीरे धीरे करके उनको जानें। अब वो सुपरविजन में ही करते हैं, चाहे वो आई सर्जन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टेक्नीशियन हो, उनके सुपरविजन में वो लोग काम करते हैं, सीखते हैं। सर, आज किसके सुपरविजन में वो काम कर रहा है? नहीं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि मैं ड्यूटी का होंगे ना या अगर जो जो भी आपको मैट्रिक्स होंगे अगर कोई काम कर रहा होगा तो स्वाभाविक बात है तो उनके सुपरविजन में ही कोई ना कोई वहाँ बैठा होगा। उनके हमें देखना है मशीन को, नहीं आंटी सामने सामने मुँह रखो, टेढ़ा मुँह रखो। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।